जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के विवादित बयान पर नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहनी की प्रतिक्रिया आई सामने। उन्होंने कहा कि धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं। मदन सहनी ने कहा कि देवी देवताओं के खिलाफ बोलना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। अगर हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं तो अपने धर्म का अनादर कैसे कर सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार में जमकर सियासत जारी। तेजस्वी यादव के बयान पर सम्राट चौधरी ने किया पलटवार। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करने की दी सलाह। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच तथा पंचों के शिष्टमंडल से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान सीएम ने किया ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। राम मंदिर पर बयान देने वाले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साधा निशाना। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव राम मंदिर के बदले अस्पताल की बात करते हैं तो उन्हें पहले अपने राज्य में अस्पतालों की स्थिति सुधार लेना चाहिए। नीतीश कुमार को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां ऑपरेशन के दौरान आंखें फोड़ दिया जाता है। अगर यहां की अस्पताल की स्थिति ठीक होती तो मुख्यमंत्री को आंख का इलाज करवाने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने किया दावा। कहा बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी भी ईडी और सीबीआई पर हमले करवा सकती है। सुशील मोदी ने कहा कि जांच में पहुंची ईडी पर ममता बनर्जी के समर्थकों ने जिस तरह से जानलेवा हमला करवाया यह संकेत देता है कि बिहार में भी आरजेडी केंद्रीय एजेंसी की टीम पर अटैक करवा सकती है। बिहार में हड़ताल करने के दौरान बर्खास्त की गई 18,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका फिर से अपने नौकरी पे होगी बहाल। नीतीश सरकार ने किया ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से मुलाकात करने के बाद ऐलान करते हुए कहा कि जिन कर्मियों को हड़ताल के दौरान नौकरी गंवानी पड़ी थी उन्हें फिर से चयनित किया जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेताओं से की बातचीत। 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर हुई बातचीत।